नमस्कार, मैं ज्ञानु कुमार दीक्षित इस वक्त सबसे बड़ी खबर के साथ। देखते रहिए सिर्फ पावर ऑफ जनाधिकार न्यूज। पल पल की खबरों पर नजर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु आरोग्य योजना का आयोजन संपन्न। रामपुर मथुरा सीतापुर विकास क्षेत्र रामपुर मथुरा के अंतर्गत अफनापुर गांव में हनुमान मंदिर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु आरोग्य योजना का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ भाजपा मंडल अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण मौर्य व प्रधान प्रतिनिधि राकेश सिंह ने गौ पूजन व फीता काटकर किया। कैंप में क्षेत्र के लगभग 187 पशुओं को लाभान्वित किया गया, जिनका निशुल्क इलाज किया गया। कैंप में पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राकेश मलिक, पशु चिकित्सा अधिकारी चांदपुर डॉक्टर अनिल, फार्मासिस्ट डॉक्टर महेंद्र, कर्मचारी बलजीत व शत्रुघ्न, पैरावेट वीरेंद्र विकास राम कुमार आदि ने कैंप में भरपूर सहयोग किया। कार्यक्रम के समाप्ति की घोषणा प्रधान संघ के अध्यक्ष श्री राम मनोहर अवस्थी ने की। इस कार्यक्रम में अमर बहादुर सिंह प्रधानाचार्य, शिक्षक अभिषेक वर्मा, मासूम अनमोल शुक्ल, त्रिभुवन वर्मा सहित सैकड़ों की संख्या में गणमान्य मौजूद रहे। राकेश ढिहुआ के साथ अतवर रहमान की रिपोर्ट। महमुंदाबाद सीतापुर। मैं राकेश ढिहुआ, पावर ऑफ जनाधिकार न्यूज़, तहसील संवाददाता महमूदाबाद। हम यहाँ पशु आरोग्य मेले में आए हुए हैं। ग्राम पंचायत अफनापुर में मेला लगा हुआ है। यहाँ पर पशु चिकित्सक डॉक्टर मलिक जी हैं, उनसे आपकी बात करवाते हैं। डॉक्टर साहब बताइए कि ये मेला मतलब किस उद्देश्य से हुआ है? ये पंडित दीनदयाल पशु आरोग्य मेला है जी। इसका उद्देश्य ये है कि जहाँ चिकित्सालय का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, जहाँ पे हम लोग नहीं आ पाते दूर दूर से जी, तो उस जगह दूर पे ये मेला लगाया जाता है। तथा इस मेले की खास बात यह है कि इस पे जो भी ट्रीटमेंट, इलाज, बांझपन, चिकित्सा, बधिया, जो भी इलाज होता है पूरी तरह मुफ्त किया जाता है जी। और इसमें कोई किसी प्रकार का शुल्क नहीं होता। ज़्यादा से ज़्यादा पशुओं को लाभान्वित करने का प्रयास किया जाता है। पशुपालक गोष्ठी की जाती है, हर प्रकार से प्रयास रहता है कि दूर के जितने भी पशुपालक हैं वो इससे लाभान्वित हों। और मैं आपको बताना चाहूँगा, अब की बार हमने इसमें मेला किया है, इसमें करीब 187 पशुओं का हम लोगों ने निःशुल्क इलाज किया है, इंजेक्शन लगाए हैं, फ्री दवाएँ वितरित करी हैं, पशुपालन गोष्ठी कराई गई है जिससे इनको लाभान्वित किया गया है। भविष्य में हमारा इस तरह का प्रयास रहेगा कि इस तरह के और प्रोग्राम होते रहें जिससे दूर के पशुपालक हैं वो इससे लाभान्वित होते रहें। गोष्ठी में सर कितने लोग उपस्थित रहे? गोष्ठी में करीब 70 लोग उपस्थित थे। और इसमें गोष्ठी में पूर्ण रूप से हमारे जो पशु चिकित्सा अधिकारी हैं वरिष्ठ श्री डॉक्टर अनिल कुमार, पशु चिकित्सा अधिकारी चांदपुर, उनके द्वारा गोष्ठी की गई जी। और लोग पूरी तरह संतुष्ट रहे। भविष्य में हमारा प्रयास रहेगा कि और इस तरह के कार्यक्रम होते रहें जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित होते रहे। तो इसमें आपके सर पैरावेट कौन कौन है? पैरावेट हमारे इसके अंदर श्री वीरेंद्र जी हैं, राम कुमार हैं, विकास हैं, जिनका सहयोग रहा है पशुओं को। तो किसी एक से हम बात करना चाहेंगे। हाँ, आप बात कर लीजिए जी। जी, आपका सर क्या नाम है? विकास अवस्थी जी। आप पैरावेट हैं ना यहाँ? जी सर, मैं 2007 से पैरावेट हूँ जी। तो वेतन वगैरह मिलता है कभी आपको? वेतन हम लोगों को नहीं दिया जाता है। हम लोगों की भर्ती स्वरोजगार योजना के अंतर्गत हुई थी जी, लेकिन इसमें हम लोगों का शोषण इस तरीके से किया जा रहा है कि हम लोग 24 घंटे काम करते हैं जी। हम लोगों का क्षेत्रीय काम है तो 24 घंटे करना पड़ता है जी। बाकी हम लोग जैसे विभाग में कोई भी कार्य होता है उसमें भी हम लोग सहयोग करते हैं, चाहे वो कोई गोष्ठी की गई हो या कोई कैंप लगाया गया हो, उसमें हम पूर्ण सहयोग अपना करते हैं। दूसरी चीज ये है कि हम लोग में मुख्य कार्य जो है प्राथमिक पशु चिकित्सा, कृत्रिम गर्भाधान, टीकाकरण, बधियाकरण, जो भी कार्य हैं वो हम लोग अपनी ईमानदारी के साथ में करते हैं। लेकिन बस ये है कि उसमें हमको किसान से पैसा लेना पड़ता है। किसान से पैसा लेना पड़ता है, मतलब कि सरकार से कोई पैसा आपको नहीं मिलता? सरकार की तरफ से हमें कोई सहयोग नहीं दिया जा रहा है। इसके लिए हम लोग किसान से पैसा लेने के लिए मजबूर होते हैं। गरीब किसान होते हैं, बहुत लोग देते हैं, बहुत लोग नहीं भी देते हैं, तो वहाँ पे हम लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए हम चाहते हैं, सरकार से भी और विभाग से भी हम आग्रह करते हैं कि हम लोगों के पे ध्यान दिया जाए, और जो कुछ भी शोषण हो रहा हो हम लोगों का अगर उनकी नज़र में, तो उस पर ध्यान देके हमारा सहयोग करें जी। जी, जो पैराबेट हैं उनका वेतन नहीं मिल रहा है, इसके लिए आप क्या करेंगे? ये लोग पहले स्वरोजगार योजना के तहत चयनित हुए थे जी, तो इनको एक या दो वर्ष तक मानदेय कुछ मिलता था, 1500 रुपया। इसके बाद इनको मान लिया गया, ये लोग विभाग से इनको कंटेनर वगैरह दिए गए तथा ये मान लिया गया कि ये लोग कार्य करेंगे और अपना रोजगार कमाएंगे। लेकिन
धीरे धीरे पशुपालन बढ़ने से और सब कुछ बढ़ने से क्षेत्र भी इनका होगा और काम इतना अधिक बढ़ गया 2007 से, आप समझ लीजिए कि इतना अधिक काम बढ़ गया, वर्कलोड बढ़ गया। और जब भी हम इनको बुलाते हैं, जैसे आज ये दिन भर मेले में रहे, तो आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं कि क्या कमाए होंगे, क्या कृत्रिम गर्भाधान किए होंगे? तो अगर यदि आज के दिन नहीं कमाते तो इसका इनका परिवार किस तरह से चलेगा? तो सरकार अगर इनको थोड़ा बहुत प्रोत्साहन राशि या मानदेय कुछ भी देती रहे जी, जिससे इनका परिवार चलता रहे, मेन दिक्कत यह कि इनका परिवार चलता रहे जी, तो ये और अच्छा कार्य करेंगे और सहयोग करेंगे, उत्साह से करेंगे जी।